हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज हम बात करेंगे MAHD-03 पेपर, MA हिंदी लिटरेचर की। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आपको इंटरनल असाइनमेंट बनाने हैं वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनकी जो सत्रीय असाइनमेंट आप किस तरह से बना सकते हैं। तो सेक्शन ए जिसमें से आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो पहला क्वेश्चन है नई कविता की कोई एक प्रवृत्ति लिखिए। तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है अस्तित्ववाद और आधुनिकतावाद का स्वर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा लिखी गई है? तो यह परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र द्वारा दी गई है। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन चंदन बालाराम नामक ग्रंथ के रचयिता है। तो इस वीडियो को अगर आप पॉज करके देखेंगे, तो आप ये वीडियो को पोज करके देखते रहें और इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट के रूप में कर पाएंगे। आपको आंसर जो है वो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्शन बी जो है लघु उत्तरात्मक, जिसमें से आपको चार क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रवृत्तियां लिखिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके आंसर देखने के लिए स्क्रीन पर आप यहाँ पे रोक सकते हैं और वीडियो को पोज करके आप देखेंगे, तो ये आप लिखने में आपके लिए आसानी रहेगी। प्रश्न संख्या पांच, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कविता कहानी के विकास को समझाइए। तो यहाँ पे पेज नंबर 3 है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर इसी तरह के अगर असाइनमेंट आप हमसे बनवाना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, VMOU के संबंधित किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप हमें दिए हुए स्क्रीन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी डिटेल है वो हमें व्हाट्सअप करें। उसके अकॉर्डिंग हम आपके जो असाइनमेंट है उसको तैयार करने में आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। निबंधात्मक प्रश्न जो है पेज नंबर 5 है, जिसमें छायावादी काव्य की जो प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं से विस्तार लिखिए। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप ये देख सकते हैं प्रश्न संख्या 7। और वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आप रुक सकते हैं। इसके लिए आपको लाइनदार पेज आपको परचेज करने हैं, दोनों साइड डबल पेज जो लाइनदार होनी चाहिए। और इसको आप फाइल को अंदर लगा के और आपका जो भी रीजनल सेंटर है वहां पर आपको डिपॉजिट करवाना होता है। और डिपॉजिट कराने के बाद आपके मोबाइल पर एक SMS आपको रिसीव होता है, और उसको आप अपना स्टूडेंट वन्यू में जाके भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सॉफ्टवेयर में एंट्री होगी आपके स्क्रीन पर आपको वो दिख जाएगा। तो किसी भी असाइनमेंट आप बना सकते हैं MA हिंदी के अगर आप स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन को रोक के आप देखेंगे तो इस तरह से ये बना चुके हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा उसने कमेंट करें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।